हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद संगीता। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चना दाल से दाल पूरी की रेसिपी। बिहार की फेमस रेसिपी है ये। तो उसके लिए मैंने 5 से 6 घंटा चना दाल को अच्छे से साफ कर सोख कर लिया था। और इधर मैंने कुकर में फुला हुआ दाल, एक तेज़पत्ता, नमक, एक दालचीनी का टुकड़ा, हल्दी, 2 लौंग देकर हमें इसे 2 विजल तक पका लेना है। फिर हमें इस इधर कढ़ाई में 2-3 चम्मच तेल, अदरक, हरी मिर्च कुटी हुई सब भुना है। उसके बाद हमारे बेसिक मसाले जो भी हम यूज़ करते हैं सब हमें ले लेना है। और फिर इसे हम भुनेंगे और इसे मैश करेंगे पूरा। देखिए फिर कितना मैश हो गया। इधर मैंने फिर गरम मसाला डाल दिया, इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। इसी तरह से हमें भूनकर इसे साइड में रख लेना है। फिर मैंने आटा तैयार कर लिया है, स्मूथ आटा। लोई तैयार करना है हमें, इसी तरह भरना है और भर कर हम बेल लेंगे चिकना चिकना सा। देखिए फटा भी नहीं है ये, और हमें धीम आंच में इसमें हम फ्राई करेंगे। इसे फूली फूली सी बनी है, देखिए फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है ये, फटा भी नहीं है बिल्कुल ये। और मैंने आलू की सब्जी के साथ इसे तैयार किया है। बहुत कोई इसे खीर के साथ भी सर्व करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू।